हेलो गाइस, मैं हूं सूरज भान एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जा रहा है, इसमें आपको जो फोटो सिग्नेचर और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, उनका साइज आपको कैसे सेट करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो आपको फोटो सिग्नेचर और जो भी मार्कशीट वगैरह आपको अपलोड करना है, उसके साइज और डायमेंशन को सबसे पहले आपको सेट करना होगा। बिना प्रॉपर साइज सेट किए आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने गलत साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो इस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कैसे आपको फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स के साइज को सेट करना है, ताकि आप अपने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाए, वो भी बिना किसी रिजेक्शन के। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर आप फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो का जो साइज है वो मांगा जा रहा है 20 से 50 KB और यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो है 5 से 20 KB। और वहीं हम बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो डॉक्यूमेंट्स का साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 से 100 KB के बीच में आपका फाइल होना चाहिए। इसके अलावा जो आप 12th की मार्कशीट या फिर अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो अपलोड करेंगे, उसका भी जो साइज है वो 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और फाइल अपलोड करने का जो फॉर्मेट रखा गया है वो है JPG, JPEG, PNG और JPE। तो इन सभी फॉर्मेट्स में से कोई भी एक फॉर्मेट का अगर आपका फाइल है तो उसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोटो की बात करते हैं, तो फोटो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपनी रंगीन फोटो अपलोड करनी है जिसका न्यूनतम साइज 20 KB तथा अधिकतम साइज 50 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर का यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 KB से 20 KB के बीच में आपकी फाइल होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आप कलर फोटो का साइज अपलोड करने वाले हैं, उसका जो डायमेंशन है वो रहना चाहिए 35x45 mm में। वहीं अगर आप इसे इंच में कन्वर्ट करते हैं तो 1.4x x 1.75 इंच का आपका फोटो जो है वो होना चाहिए। और जो भी फोटो आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं वो लास्ट 6 महीने के अंदर लिया गया हो। और फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आप चाहे तो व्हाइट कलर में रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो हल्का ग्रे कलर में रख सकते हैं। और उसके बाद फोटोग्राफ में आपके जो दोनों ईयर्स हैं, यानी कि आपके जो दोनों कान हैं, वो साफ साफ दिखने चाहिए फोटो में। और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो ग्लास है चश्मे का वो रंगीन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। इसके बाद 9th नंबर पे आप देख सकते हैं लिखा है कि फोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आप सिग्नेचर का साइज देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर JPEG, JPG या JPE के रूप में स्कैन करके जिसका आकार 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। यानी कि आपको सिग्नेचर के लिए एक प्लेन पेपर लेना है जिसपे आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना होगा और उसे आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करके आपको उसके साइज को 5 से 20 KB के बीच में बनाना होगा। तो चलिए मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ जो मैंने फोटो और सिग्नेचर अपना बनाया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक फोटो मैंने पहले से बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो में जो है वो बिल्कुल क्लियर फेस आपका दिखना चाहिए और दोनों ही कान आपके जो है वो ईयर्स यहाँ पे दिखने चाहिए और कैमरे के लेंस में आपको एकदम स्ट्रेट आपको यहाँ पे देखना होगा। और फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आप व्हाइट कलर में रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो हल्का ग्रे कलर में रख सकते हैं। तो फोटो हमने अपने कैमरे से क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को चेंज करके यहाँ पे हमने सेट कर लिया है, बट अभी इसके साइज को हमने सेट नहीं किया है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि इसके साइज को कैसे सेट करना है। तो सिग्नेचर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको सिग्नेचर ब्लैक पेन से अपना करना होगा और उसका फोटो क्लिक करके क्रॉप करके आपको इसे रेडी कर लेना है। सो अगर आपके पास स्कैनर है तो आप स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप अपने कैमरे के फोटो से फोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद उसे क्रॉप करके यहाँ पे सेव करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले फोटो और सिग्नेचर के साइज को कैसे सेट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना है गूगल में और यहाँ पे आपको सर्च करना है इमेज रिसाइजर। तो इमेज रिसाइजर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए हम किसी भी एक वेबसाइट को यहाँ पे पिक कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट काफी अच्छा काम कर रहा है, imagerecizer.com, इसी वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपने फाइल रखी है वो फाइल चूज करेंगे। तो चलिए हम चूज करेंगे फोटो अपना। इस फोटो का जो आकार है वो 35x45 mm में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे पिक्सल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलीमीटर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। मिलीमीटर का ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पे आपको एक लॉक वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको अनटिक कर देना है। इसके बाद विड्थ में आपको डालना है 35, यहाँ पे आपको लिखना है 45। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको चूज करना है JPG वाला ऑप्शन। JPG चूज करने के बाद यहाँ पे आपको चूज करना होगा फाइल की साइज कितनी रखनी है आपको। तो फाइल हमने यहाँ पे देखा था, फाइल की साइज जो है वो 20 से 50 KB के बीच में रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 KB। इसके बाद रिसाइज इमेज पे क्लिक
क्लिक करेंगे। रिसाइज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब फोटो हमारा डाउनलोड हो चुका है और इसका जो साइज है वो 28 KB का हो चुका है। अब हमारा जो फोटो है वो रेडी हो चुका है अपलोड करने के लिए। अब ऐसे ही आपको सिग्नेचर का साइज भी सेट कर लेना है, जिसके लिए आपको इस वेबसाइट पे फिर से आना है, एक बार रिफ्रेश करना है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे जाएंगे, उसके बाद अपना सिग्नेचर चूज करेंगे। सो अब हमारा यहाँ पे सिग्नेचर आ चुका है। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है सिग्नेचर वाले में, आपको जस्ट नीचे आना है, यहाँ पे चूज करना है JPG वाला ऑप्शन और यहाँ पे फाइल साइज में आप लिखेंगे 10 KB, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर का जो साइज है वो मांगा गया है यहाँ पे 5 से 20 KB के बीच में। तो चलिए हम 10 KB यहाँ पे चूज करते हैं। इसके बाद रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो 8 KB की बन चुकी है। और अब आपको यहाँ पे डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है और इसका साइज है 8 KB। ऐसे ही आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 1x1 इसके साइज को सेट कर लेना है, जिसके लिए आप फिर से आपको इसी वेबसाइट पे आना है, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, जो भी फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10th की मार्कशीट मुझे अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, चूज करेंगे JPG, तो कितने साइज का चाहिए वो साइज डालना है। तो डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 80 KB। इसके बाद रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे। रिसाइज करते ही यहाँ पे देख सकते हैं 75 KB का हमारा जो इमेज का साइज है वो बन चुका है। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th की मार्कशीट आ चुकी है। ऐसे ही 1x1 इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो भी आपने रखा है उनके साइज को आपको सेट कर लेना है। फिर से हम बैक करेंगे, सिलेक्ट इमेज पे जाएंगे, ऐसे ही हम 12th पर मार्कशीट चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से चूज करेंगे आपको कितने केबी का रखना है, हम रखेंगे 80 KB का। यहाँ पे JPG फाइल चूज करेंगे और रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे। रिसाइज होने के बाद आपको डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है और आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर से यहाँ पे आप चाहे तो फिर से रिफ्रेश वाले पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको सिलेक्ट इमेज पे जाना है, जो फाइल आपको अपलोड करना चाहते हैं, जिसका साइज आप सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फाइल आ जाएगी, यहाँ पे फिर से हम डालेंगे 80 KB, यहाँ पे चूज करेंगे JPG, उसके बाद रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर 10th 12th की मार्कशीट कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि सभी सर्टिफिकेट्स के साइज को हमने सेट कर लिया है और अब ये फाइल रेडी है अपलोड करने के लिए। अपलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पे आना है, चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे और जो भी फाइल आपने रखा है अपलोड करने के लिए उस फाइल को अपलोड करेंगे। आपको 1x1 सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है एंड इसके बाद आपको फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। एंड इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे PDF फाइल में सेव कर सकते हैं। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन जो फॉर्म फिल किया जा रहा है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा रहे हैं उसका साइज आपको कैसे सेट करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं बट उन्हें नहीं मालूम है कि फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स के साइज को कैसे सेट करना है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।